हाय गाइस, मैं हूँ पारुल। वेलकम इन माय चैनल कुक विद पारुल। बिना अंडे की अंडा करी, जी हाँ, आप बिल्कुल एग करी स्टाइल एक नई तरीके की रेसिपी घर में ही और घर के ही सामान से इजीली बना सकते हैं। हम इसमें किसी भी एग का यानी अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही झटपट घर के ही सामान से एक डिफरेंट स्टाइल की बिना अंडे की अंडा करी बिल्कुल ढाबा जैसी तैयार होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना अंडे की अंडा करी। तो इस स्पेशल रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 5 उबले हुए मीडियम साइज के आलू, जिसको मैंने कुकर में लगभग 3 सीटी लेकर उबाल लिया था। बहुत ज्यादा हमें इन आलू को उबालना नहीं है, सेमी हमें इनको रखना है। तो ये मैंने 5 आलू उबाले हैं। यहाँ मैंने ली है 2 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने चॉपर में बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो हाथ से भी बारीक कट कर सकते हैं। ये मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने बिल्कुल प्यूरी की तरह बना लिया है। आप ये भी बारीक हाथ से काट करके तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें चाहिए होगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, लगभग 1 टेबल स्पून। और एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए, यहाँ मैंने लिया है 1 फुल टेबल स्पून बेसन, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। मसालों में मैंने यहाँ लिए हैं 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अच्छा होगा कि आप कश्मीरी लाल मिर्च या डेगी मिर्च का इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर आता है। 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ी चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला। हमें यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लेने होंगे, जो इसको बिल्कुल टेस्ट और इसका जो लुक आएगा बिल्कुल ढाबा स्टाइल आएगा। इसके लिए मैंने यहाँ ली है 2 साबित लाल मिर्च, 2 तेज पत्ता, और मैंने यहाँ पर कुछ 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च लगभग 5, और 2 हरी इलायची, और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का लिया है। यही इसकी मेन चीजें हैं जो इसको ढाबा स्टाइल लुक देंगी और ये देखने में बनकर आएगी बिल्कुल एग करी जैसी, और जबकि ये होगी बिल्कुल वेजिटेरियन रेसिपी। 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आप अदरक और लहसुन को अलग से कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पेस्ट लिया है। कुकिंग के लिए हम लेंगे थोड़ा ऑयल, और ये मैंने ली है 2 हरी मिर्च, जिनको मैंने लंबाई में 4 भाग में स्लिट कर लिया है। तो सबसे पहले तैयारी करते हैं आलू के लिए। हमें आलू को शेप देनी होगी बिल्कुल एग की तरीके से, यानी अंडे की तरीके से। तो अब हम लेंगे 1 उबला हुआ आलू, और इसके ऊपर हमें चौकोर यानी स्क्वायर फॉर्म में इसको कट करना होगा, लाइक जिस इस तरीके से हम इसे ऊपर से पहले कट करके इसका ऊपरी हिस्सा निकाल लेंगे और अंदर से इसको खोखला कर लेंगे। घुमा घुमा करके स्पून को हम इसके अंदर का सारा जो उबला हुआ आलू है इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चम्मच की मदद से आप इसे अंदर से बिल्कुल खोखला, इसे स्कूप आउट हम बोलते हैं, पूरा कर लेंगे हम। और इस आलू को जो इसमें से निकल रहा है उससे हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तो वो आलू आप एक बाउल में रखते जाएं, उसको आपको फेंकना नहीं है बिल्कुल भी। इस तरीके से संभल कर आपको करना होगा कि आलू टूटे नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये पूरा इसमें से आलू निकल गया है। तो इसी तरीके से मैं बाकी 4 आलू को भी स्कूप आउट कर लेती हूँ। इसी तरीके से दूसरे आलू का भी मैं दिखा देती हूँ। आप चाहें तो स्क्वायर या फिर इस तरीके से सर्किल यानी गोल आकार में इसका ऊपर का हिस्सा निकालें, और धीरे धीरे चाकू या स्पून की मदद से जिससे आपको कंफर्टेबल लगता हो इसको स्कूप आउट कर लें। तो आप धीरे धीरे करके चाकू से इसको खाली करते जाएं, या फिर आप चम्मच ले लें जैसे मैंने पहले आलू में दिखाया। क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा उबाले नहीं है, हमें थोड़े सेमी रखने हैं जिससे कि आलू टूटे नहीं, वरना अगर आप बहुत ज्यादा उबाल लेंगे तो आलू टूट सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर जो आलू की स्टफिंग और हमें आलू तैयार करने हैं इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, और धीरे धीरे स्कूप आउट करते जाएं, इस पूरे को खोखला कर लें। हमें बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आलू लगभग 1/3 के करीब ही अंदर से खोखला करना है, नीचे तक बिल्कुल नहीं करना, वरना आलू अंदर से बिल्कुल टूट जाएगा और फिर हम इसको फ्राई नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी बात है कि आप आलू को सिर्फ इतना तक, जहाँ तक मैं पॉइंट कर रही हूँ यहाँ तक सिर्फ आप इसको स्कूप आउट करें, और बाकी सारा आलू जो हमने निकाला है वो हम इसकी स्टफिंग में यूज करेंगे। तो आप उसे एक अलग बाउल में रख लें। तो इसी तरीके से आपको सभी आलू को तैयार करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, सभी आलू को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है, और इसका जो अंदर का स्टफिंग थी वो मैंने पूरी इस तरह निकाल ली है। अब हम तैयार करेंगे इसमें भरने के लिए आलू की स्टफिंग। तो उसके लिए जो बचे हुए आलू हमारे बोल में हैं, इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक,
मैं यहाँ डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर सकते हैं। पिंच में डाल रही हूँ हल्दी, लगभग 1/4 टीस्पून, क्योंकि हमें इसको एक अंडा करी में जिस तरीके से अंदर का पीला भाग होता है जिसे योक बोलते हैं उस जैसा लुक देना है, तो मैं थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला, ये मैंने लिया है आधा इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। आप अपने हिसाब से हरी मिर्च और भी ज्यादा भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसकी स्टफिंग में। अब सब चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो हम एक फॉक लेंगे और फॉक की मदद से आलू में हल्के हल्के इस तरीके से प्रिक कर देंगे, जिससे कि जब हम आलू फ्राई करेंगे तो वो अंदर तक एकदम क्रिस्पी और बढ़िया सिक जाएगा। थोड़ा हमें संभल कर करना है कि आलू टूटे नहीं। अब मैं सभी आलू को इसी तरीके से हल्का हल्का प्रिक कर लेती हूँ। चलिए तो अब हम फिल करते हैं इसमें अपनी तैयार की हुई स्टफिंग। इस तरीके से अंगूठे की मदद से आप इसको अंदर प्रेस करें, आलू को इस तरीके से भरेंगे हम, बिल्कुल जैसे अंडा करी में अंडे का लुक होता है बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको फिल कर देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। दूसरे आलू को भी हम इसी तरीके से फिल कर लेते हैं। ये देखिए सभी आलू मैं इसी तरीके से फिल कर लूंगी, हमें इसको अंदर स्टफ कर देना है। तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने सभी आलू स्टफ करके तैयार कर लिए हैं और इनका कितना सुंदर लुक आ रहा है, ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं ये देखिए। तो चलिए अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। तो सबसे पहले हम गैस पर पैन रखेंगे और जो हमने बेसन लिया था बेसन को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, यानी सूखा भूनेंगे। बेसन ग्रेवी को थिक बनाएगा और बिल्कुल ढाबा स्टाइल उसका फ्लेवर होगा, बहुत ही टेस्टी कर देता है और यही इसकी ग्रेवी की स्पेशलिटी होगी कि बिल्कुल अलग और बिल्कुल ढाबे जैसी गाढ़ी ग्रेवी तैयार होगी बिना किसी क्रीम और दही या किसी दूध के। अब पैन को हम गर्म करेंगे और बेसन को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। सिर्फ इतना ही हमें भूनना है कि हल्का इसमें कलर आ जाए और इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। बेसन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और बेसन बिल्कुल बढ़िया भुन गया है, इससे ज्यादा हमें नहीं इसको भूनना है। बेसन में बहुत ही अच्छा कलर भी आ गया है, तो अब मैं इसको एक बोल में निकाल लेती हूँ अलग। अब सबसे पहले गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे, गैस को ऑन करेंगे। इसमें हम डालेंगे ऑयल आलू को फ्राई करने के लिए। बहुत ज्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है, थोड़ा ही हम ऑयल लेंगे कि आलू अच्छे तरीके से चारों तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाए। तो ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे आलू। हमें आलू को करना है बिल्कुल सुनहरा फ्राई इस तरीके से। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम आलू को इसी तरीके से सुनहरा होने तक धीरे धीरे उलट पलट करके फ्राई करेंगे और देखिए इस तरीके से हम धीरे से इसको पलटेंगे और सभी तरफ से इसको बिल्कुल गोल्डन फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इनका कलर आ रहा है। लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं धीरे धीरे चारों तरफ से इसको गोल्डन कर रही हूँ। लग रहे हैं ना बिल्कुल जैसे अंडे होते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है ये रेसिपी। आप देख सकते हैं आलू बहुत ही बढ़िया गोल्डन हो गए हैं। इस रेसिपी की खास बात यही होगी कि हमें आलू को अच्छी स्टफिंग करके बढ़िया से इसको भूनना है और इसको यही ढाबा स्टाइल लुक देना है, बढ़िया भुना हुआ। तो अब गैस को ऑफ करके इसको प्लेट पर निकालती हूँ। तो चलिए अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे लगभग 2-3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे जीरा, सारे खड़े मसाले। यही वो स्टेज है जहां से बहुत ही बढ़िया ढाबा स्टाइल फ्लेवर आता है सब्जी में, क्योंकि खड़े मसाले से सब्जी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट हो जाता है और जो उसका टेक्सचर उसका लुक बिल्कुल ढाबा जैसा बनता है। तो अब यहाँ पर हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा लो। अब हम डालेंगे जो हमने हरी मिर्च को स्लिट किया था, इसको थोड़ा सा दूर रहेंगे जिससे हरी मिर्च की चीजें ना आए। अब हम डालेंगे प्याज बारीक कटी हुई,
अच्छी तरीके से सभी चीजों को भूनेंगे। फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे और प्याज को हमें इतना भूनना है कि वो बिल्कुल गोल्डन हो जाए, तभी वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी सब्जी में। जितनी भी ढाबा स्टाइल सब्जियां होती हैं उन सब में प्याज वगैरह बहुत बढ़िया से भूनी जाती है। तो आप देख सकते हैं अच्छा कलर आ गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। लगभग एक मिनट के करीब हम अदरक लहसुन पेस्ट को भी प्याज के साथ भूनेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे टमाटर की जो प्यूरी हमने तैयार की थी, ये इसको बहुत ही बढ़िया कलर देगी एकदम रेड, और हमें भूनना होगा इसको बढ़िया से। तो अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे अब हम, और इस स्टेज पर हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक इस स्टेज पर डालने से टमाटर अच्छी तरीके से पानी छोड़ देते हैं और बढ़िया कलर आ जाता है, और पूरे मसाले जब हम डालेंगे इसमें बढ़िया से इसके साथ पूरे भून करके तैयार होंगे। तो बहुत ही अच्छा ये तरीका रहता है कि आप टमाटर भूनते वक्त ही नमक डालें। अब हमें तब तक टमाटर को अच्छे से भूनना है जब तक कि अच्छी तरीके से भून करके टमाटर ऑयल ना छोड़ने लगे। आपको खुद दिखेगा कि थोड़ी ही देर में टमाटर भून करके थोड़ा थोड़ा तेल छोड़ने लगेंगे। और इसी स्टेज पर हम डालेंगे सभी मसाले। गरम मसाला अभी हम नहीं डालेंगे। सभी मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करके हम लो टू मीडियम फ्लेम के बीच ग्रेवी को अच्छी तरीके से भुनने देंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आ गया है जिस तरीके से हमने मसाले डाले हैं। और इसको इसी तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना बहुत ज़रूरी है। टमाटर बिल्कुल अच्छे से एकदम मैश होके ऑयल छोड़ने लगेंगे और इसकी जो फिर रंगत और जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही गजब का होगा। तो यही इसका मेन पार्ट है कि हम अच्छी तरीके से इसके मसाले और सभी चीज़ों को भूनें। इसी तरीके से लगभग 5 मिनट मैंने इसको भूना है टमाटर को, और ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ बेसन जो इसको देगा बहुत ही थिकनेस, ग्रेवी को वॉल्यूम और बहुत ही बढ़िया स्वाद। अब इस स्टेज पर जब हमने इसमें बेसन मिला दिया अच्छी तरीके से, हम डालेंगे थोड़ा सा पानी लगभग 2 टेबल स्पून, जिससे कि ग्रेवी बढ़िया ऑयल छोड़ दे और इसमें एक अच्छा कलर आ जाए। फ्लेम को लो कर देंगे, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखिए मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके भून लिया है। अब इस स्टेज पर हम डालेंगे कसूरी मेथी जो इसको देगी बहुत ही बढ़िया टेस्ट इस तरीके से। और अब इसमें हम डालेंगे पानी, बहुत ज्यादा पानी हमें नहीं डालना क्योंकि हम ढाबा स्टाइल गाढ़ी सब्जी बना रहे हैं। आपको अगर चावल के साथ इसको खाना है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट यानी पतला कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा पानी डाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ, अभी मैंने आधा ग्लास पानी डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी आधा ग्लास पानी हमें और डालना पड़ेगा, गाढ़ी है ये। अब इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने फ्राई करके तैयार किए थे, जिससे कि जो ग्रेवी है उसका रस आलू में अच्छी तरीके से अंदर तक भर जाए। और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे। नमक हमने पहले डाल दिया था, अगर आपको लगे कि पानी के बाद नमक कम है तो आप अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। धीरे से हम आलू को पलट देंगे, इसमें अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए। तो अभी मीडियम फ्लेम करके हम इस पर लगभग 3 मिनट के लिए लिड लगा देते हैं और अच्छी तरीके से बॉईल होने देंगे। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर, और आप देख सकते हैं कोई बोल ही नहीं सकता कि ये एग करी नहीं है, एगलेस एग करी बिल्कुल तैयार है। अब इस स्टेज पर लो फ्लेम है और मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला ऊपर से डालने में बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, एकदम मसाले बहुत ही टेस्टी लगते हैं फिर इसमें, और सब्जी में भी बहुत ही बढ़िया रंगत आ जाती है। तो इस तरीके से हम हल्का हल्का इसको मिला देते हैं जिससे हमारे आलू टूटे नहीं। 1 मिनट और इसको बस बॉईल होने देते हैं और उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। और ये लीजिए
बिल्कुल बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल बिना अंडे की अंडा करी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो इस पे लग रहा है बहुत सुंदर। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया। एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, सभी को बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए इसमें जो ग्रेवी का टेक्सचर आया है आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा ढाबा स्टाइल, एकदम जो टेक्सचर है ग्रेवी का बिल्कुल उसी तरीके का बना है और सिर्फ ये सब घर के सामान से ही हमने बना लिया। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही टेस्टी बिना अंडे की अंडा करी बन करके बिल्कुल तैयार है और आप देख सकते हैं कि कोई बोल ही नहीं सकता कि ये एग करी नहीं है। देखने में बिल्कुल अंडे जैसी और बिल्कुल एग करी जैसी लेकिन बिल्कुल वेजिटेरियन। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है आपको ये ढाबा स्टाइल बिना अंडे की अंडा करी बहुत पसंद आई होगी। अंडे की अंडा करी को आप किसी भी नान रोटी चावल किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसको स्टफ्ड आलू करी भी बोल सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करें। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारू।